हेलो स्टूडेंट, आज हम इंटरमीडिएट के पृथ्वी के चुंबकीय तथा चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत कुछ अन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होंगी, उसके अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे। यानी उसके अंतर्गत कुछ परिभाषाएं कौन कौन सी हैं? भौगोलिक उत्तरीध्रुव, भौगोलिक उत्तरीध्रुव, भौगोलिक दक्षिण ध्रुव, भौगोलिक उत्तरीध्रुव, भौगोलिक दक्षिण ध्रुव, चुंबकीय चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय निरक्ष परिभाषाएं, एक इसमें परिभाषा है भौगोलिक यामोत्तर। अपन चर्चा करेंगे भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है। भौगोलिक यामोत्तर, फिर अपन चर्चा करेंगे चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है। क्या कहा? भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है और चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे भौगोलिक यामोत्तर। भौगोलिक यामोत्तर भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला तल अर्थात मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। भौगोलिक यामोत्तर किसे कहते हैं? भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। चुंबकीय यामोत्तर किसे कहते हैं? चुंबक का उत्तरी ध्रुव तथा चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, चुंबक का उत्तरी ध्रुव तथा चुंबक का दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, चुंबक का उत्तरी ध्रुव तथा चुंबक का दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर। समझ आया? भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है? भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। चुंबकीय यामोत्तर किसे कहते हैं? चुंबक का उत्तरी ध्रुव तथा चुंबक का दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। अब तीसरी बात करते हैं, चुंबकीय ध्रुव क्या होता है। चुंबकीय ध्रुव क्या होता है? पृथ्वी के जिन दो बिंदुओं दो स्थानों को चुंबकीय सुई के तल के लंबवत होती है उसे कहते हैं चुंबकीय ध्रुव। पृथ्वी के जिन दो स्थानों को चुंबकीय सुई पृथ्वी के तल के लंबवत होती है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय निरक्ष क्या होता है? पृथ्वी के जिन दो स्थानों के में चुंबकीय सुई पृथ्वी के चुंबक के समांतर हो जाती है, पृथ्वी के चुंबक की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है, चुंबकीय निरक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय निरक्ष। ओके।